अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। बस आरिश की तबीयत थोड़ी सी अब ठीक हुई है, लेकिन आज हमने इसको स्कूल नहीं भेजा है, तो मैं भी अभी स्कूल से आ गई हूँ। और फातिमा यहाँ पर जो है, देखिए कैसे चला रही है, मोबाइल को ओपन कर रही है, ऑन कर रही है। अब देखते हैं कि ये यूट्यूब पर क्या देखती है। फातिमा क्या देख रही हो? और आजकल मेरी भी तबीयत शायद डाउन हो रही है, मेरा गला जो है अब बैठता जा रहा है। ऐसी तो कोई मैंने चीज़ खाई नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। बाहर के बेबी ने क्या पकाया है। हेलो बेबी, क्या पकाया है? पुलाव बनाया, मटर और थोड़ा सा गोश्त था, मैंने वो भी डाला। अच्छा, बेबी कह रही है कि थोड़ा सा गोश्त था, तो मैंने वो उसमें डाला है और मटर पुलाव पकाया है। आलू भी है क्या? जी जी, आलू मटर इनके सारी सब्जी जो भी जितनी भी थी उसको एक साथ कर दिया है। गर्मी है तो रोटी अच्छी नहीं लगती। सही। और इसके साथ रायता, सलाद, सैलेड आप रायते में खाएंगे, खाएंगे बाबू बता दो। और बेबी जो है बर्तन धो रही है, मासी काम करके चली गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम भी। और दोपहर के टाइम में हर किसी के घर में, जिसके घर में बल्कि, क्या पक रहा है बता दें। हमने आजकल गर्मी में गोश्त को कम कर दिया है, लेकिन बच्चे यानी कि अजवा भी नहीं खाती, चिकन अजवा कोई भी चिकन नहीं खाती, चिकन भी नहीं खाती और इसका मटन भी नहीं खाती। हाँ वो और हमने भी जो है सब्ज़ी अब यानी कि जब से बेबी आई है सब्ज़ी खानी शुरू की है, क्योंकि बेबी वाले ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं और ये लोग एक टाइम का खाना बनाते हैं। ये बताती हूँ, मेहमान लोग हैं ना, ये मेहमान लोग हैं तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, नहीं दो टाइम दोपहर का मतलब दोपहर में भाई आप उठते हो, क्योंकि सबकी अपनी रूटीन है, भाई जॉब पे जाते हैं, अब वो रिटायर है। अब जब मेरी भतीजी वहाँ गई है तो अब सुबह नाश्ता करते हैं, वरना ये नाश्ता हाँ उसके अम्मिया बहुत लेट उठते हैं और इसका भाई और भाभी जल्दी उठ जाते हैं। और ये देखें करीम जी उठाओ, बहुत नॉटी होगी। तो ये जो है गोश्त भी ज़्यादा खाते हैं, है ना, ये पाए खाते हैं, ओजड़ी खाते हैं और क्या मछली ज़्यादा खाते हैं ये लोग। और इतनी गर्मी में मछली कौन खाएगा, मरना है क्या गर्मी में? नहीं, जब गर्मियाँ आने वाली थी तब लास्ट मछली अब लेकर आते, फिर भी हमजा के लिए आती है। फिर भी ये मेहमान लोग हैं, कंजूस लोग हैं, एक टाइम का खाना बनाते हैं। और बेबी देखें कैसे हमारे घर में रहती है और साइड उनकी ले रही है। नहीं नहीं, मेरा ब्लड तो मेहमान वाला है ना, कंजूस नहीं हूँ। देखने वाले जितने मुझे जानते सबको पता है कि मुझसे ज़्यादा सही दिल कोई भी नहीं है। मैंने उन लोगों को वो सब कुछ दिया और लोग देकर मेरी सारी चीज़ें लेकर भूल गए, मेरे एहसानात, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। एहसानात नहीं कहो ना, ऐसे कहो कि मैंने मोहब्बत में दी है। एहसानात कह कर तुमने सारा कुछ खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल खत्म कर दिया। जितने भाई बहन है यूट्यूबर्स हैं, ये बताएं कोई चीज़ देकर ये कहता है कि एहसानात किए हैं, ये कहता है कि भाई मैंने मोहब्बत में दी, चलो छोड़ दिया। लोग बोलते हैं, लोग हम भी बोलेंगे, लोग बोलते हैं तो हम भी बोलेंगे। पता है क्या है, इसकी अपनी भाभी से बनती नहीं है, ऐसी बात इसीलिए ये उसके लिए जो है ये बोल रही है, इनडायरेक्ट जो है बात कर रही है, समझ गई। या तो फिर ये मुझे कह रही है, अगर उनको नहीं कह रही अम्मी को तो नहीं कहेगी। नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, बस आप आजकल ना बेबी का मूड जो है लड़ने वाला होता है। नहीं, नहीं। और मैं जो है फिर जो है अंदर चली जाती हूँ। अच्छा, मैंने काफी लोगों को देखा, किसी बार कुछ बोलो तो आपको चैनल अनसब्सक्राइब कर देते, मेरा तो उन्होंने किया हुआ, आपका भी ना करते, इसलिए नहीं नाम।
चले जी बाहर का मौसम देखते हैं। किचन का मौसम तो आप लोगों ने देख लिया, किचन का मौसम देख लिया। नहीं, मैं एक बात बोलूंगी, मैं बहुत सॉफ्ट ऑर्डर लड़की थी, ऐसी कोई बात नहीं, पर लोगों के लड़की थी ना, हाँ। सुन ले भाई, आ, लड़की थी, औरत हूँ और बहुत सख्त औरत थी, नहीं के बल्कि मैं कह रही हूँ थी, हाँ थी, मैं बोल रही हूँ ना लड़की थी, अब तो गार्ड्स में मशा थी, बच्चे हमारे तो हम, वो बात नहीं कह रही, वो कह रही हूँ ना कि मैं क्या नरम दिल थी और थी, अब नहीं है, यानी कि आप समझ लें ये मुझसे भी लड़ाई करती है, ये मुझसे भी लड़ती है अब। नहीं, मैं जो अब जो जैसा होगा ना उस, बस सुन लिया जैसा कहोगी वैसा मैं कहूँगी। नहीं, देख लो आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी लेकर आते हैं और कहती है जैसा कहोगी वैसा करूँगी, कहूँगी खैर, बहुत अच्छी नेचर की है, हमें मजाक कर रही हूँ बेबी से, फिर ना ये मेरे बेटे से कहे, आंटी ब्लॉग बना रही थी अरसलान मेरे लिए ये कह रही थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है हंसी मजाक चलती रहती है, और मैं वैसे भी इनसे हंसी मजाक कम करती हूँ कि ये मेरे सर के ऊपर ना बैठ कर बोले। खैर कुछ भी नहीं होता हमारे घर में, अल्लाह का शुक्र है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बस दोनों की मियाँ से, यानी बिल्लियों से नहीं, बिल्लों से नहीं, अपने हस्बैंड से जो है नोक झोंक चलती रहती है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी मोहब्बत प्यार से बुलाया है कि आओ थोड़ी सी बातचीत करें, तो चलो जी मैं इनसे थोड़ी सी कचहरी कर लूँ हस्बैंड से, फिर मिलते हैं। और धूप देखें, लेकिन हवा भी बहुत अच्छी खासी चल रही है, यानी कि वो गर्मी नहीं है, ये है भीड़ घूम रही है जो काटती है, तो हवा की वजह से गर्माइश में और पसीने में कुछ कमी है। और अजवा का जो स्कूल का टाइम है अब 2 हो गया है, 2 बजे वो आएगी, अभी 2:45 हुए हैं, तो उनके बाबा अभी खाना खाकर उनको लेने जाएंगे। वैसे प्राइमरी के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम रखा है 8 से 2। एक तो बच्चे थक भी जाते हैं और दूसरा बच्चों को भूख भी लगती है, कितना भी वो दूसरी चीज़ें खाएं, लेकिन घर का खाना जब तक वो नहीं खाते हैं तब तक जो है वो खुद को फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, तो बस पता नहीं क्या है गवर्नमेंट को, खुद आते हैं लेट ऑफिसों में और जल्दी चले जाते हैं विज़िट के बहाने, और बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए इतना सारा ज़्यादा टाइम रखा हुआ है। चले अब जो है खाना दोपहर का हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड फिर चले जाएंगे अजवा को लेने के लिए। और ये देखें फूल मोतिया, ये देखें ये कलियाँ इसकी और ये फूल, चले जी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि आ जाओ खाना ठंडा हो रहा है, तो चलें आप भी हमारे साथ खाना खाएं। मैंने बताया था मटर है, पुलाव, आलू, थोड़ी सी चिकन बची हुई थी वो रखी हुई है, वो उसमें डाली है, सॉरी, तो सैलेड है, रायता है, हवा देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। और जी ये है हमारा खाना, मेरे हस्बैंड जो है मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं कि खाना छोड़ के बाहर क्यों गई थी, तो चले जी हम आ गए खाना खा रहे हैं। और अरीश और ये अजवा आ गई। अजवा भूख लगी थी क्या? नहीं। हाँ क्यों मिल नहीं रही हो मुझसे, नाराज़गी है क्या? हाँ नहीं, तो फिर क्यों? और अजवा जो है आ गई है, अजवा हाय करो, सलाम करो, कैसे हैं आप? तो ठीक होंगे, हमारा स्कूल
शुरू हो गया। क्या हो गए? स्कूल नहीं, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो पर मैं तो मज़े से उठी, बहुत मज़े से। मज़ा आ रहा था आपको? हाँ। अच्छा, अब ये भी आ गई, अभी सारे यहाँ आते जाएंगे मेरी गोदी में। अब अजमा उठ के चली गई और अब ये दोनों, हाँ हाँ ये भी है, उसे खींच रही है किधर है, इसे जा रही, बुखार हो गया है। अभी छा टाइम ज्यादा है तो अभी टाइम हुआ है 10 बजे हैं रात के, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी कुलेक थी जो मेरे साथ स्कूल में थी, वो 1-2 साल पहले उसकी रिटायरमेंट हो गई थी, तो वो आ गई थी मुझसे मिलने और उसके हस्बैंड। मैं उनकी भी जो है वीडियो बनाती पर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। तो वो अभी भी गए हैं और बच्चे यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ने और हमने भी थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट जो है उनके लिए की थी, तो वो हमने खाई थी। तो अभी बच्चे जो है अंडा पराठे लाए हैं होटल से, वो खा रहे हैं और चाय। और मेरी चाय इस प्याली में पड़ी हुई है। तो वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। और ये देखिए अपने पापा अपने बच्चों के साथ किस तरह से मज़ाक कर रहे हैं। और ये फातिमा आ गई, फातिमा आ गई, ये मेरा नाम। तो वीडियो को अभी मैं कर रही हूँ एंड। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।